जैसा आपको बताया था कि पिछले वाले व्लॉग के अंदर कि शाम में हम लोग कहीं और का प्लान है, तो फाइनली अब हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आई नो रात बहुत हो गई है तो कुछ दिख नहीं पा रहा है, बस थोड़ी थोड़ी लाइटें दिख रही हैं। इससे आप थोड़ा बहुत समझ जाओ कि क्या है ये, शिकारा बोलते हैं इसको यहाँ पे कश्मीर में। बोट हैं और हम लोग अभी जाएंगे इन बोट में बैठ के आगे उधर, और वहाँ पे हैं हमारे हाउस बोट। तो रात का स्टे आज हाउस बोट में ही है, अभी वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं क्या सीन है। कितने जाएंगे भैया? एक में छह जाएंगे। बैठो भाई, बैठो फटाफट। तो भाई इसमें अपन लोग जाने वाले हैं, भाई बैठते हैं फटाक से। ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई अभी रात में। इधर तो लाइट ही नहीं आ रही बे। ये क्या किया? आईफोन वाले ने फ्लैश नहीं किया क्या? भाई व्लॉग में आने के लिए देख रहे हैं लोग, फ्लैश ऑन करके बैठे हैं। सही है भाई, सही है। क्या इंस्टा पे क्या नाम से? मनीष कुमार शरण। आवाज भी नहीं निकल रही, फॉलो कैसे करेंगे लोग तेरे को? कुमार शरण अपन नहीं है इंस्टा पे। तू ही बता दे भाई, इसको फेमस होना भाई। प्रशांत झा 276, थैंक यू। सही है भाई, सही है। फॉलो हिम, सॉरी हर हमारा तो बाद में डिसाइड हो जाएगा। करो भाई करो, सबको सबको फॉलो कर लो, सबके इंस्टा हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देगा हम। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई देख रहा है इधर पानी के बीचों बीच फास्ट फूड की शिप गया। हर एक बोट में जाके डिलीवरी देती है क्या? तो भाई लोग पहुंच गए अपन लोग अपने हाउस बोट में। अपना वाला है ये ओलंपियास, अंधेरा है तो आपको नाम दिख नहीं रहा होगा। ये है और बड़ा मस्त लग रहा बाहर से देखने में, तो बाकी अंदर चल के देखते हैं। और आजू बाजू पूरा पानी है, रिफ्लेक्शन आपको पता चल ही रहा होगा। अंदर से कुछ ऐसा है, राजा महाराजा वाली फील, क्या मस्त लग रहा है। तो ये बाहर की एंट्रेंस है, यहाँ पे सोफा वोफा सब, थोड़ा चिल कर सकते हो बैठ के। ये हीटर है, बाकी और अंदर चलते हैं। ये डाइनिंग वाइनिंग के लिए, यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाओ। और यहाँ पे रूम्स हैं, ये किचन, और ये पूरा एंट्रेंस अंदर तक। चलते जाओ चलते जाओ। ये एक रूम, तो एक रूम ये है। यहाँ पे भी एक हीटर दिया हुआ है, टीवी, सोफा, और यहाँ भाई बाथरूम। मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखो भाई साहब क्या मस्त है मास्टर। साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक बेड अलग से एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे भी आपका सामान वामान रखने के लिए क्लोजेट, और फिर बाथरूम। और ये years later. Hey, खाना अपना तैयार हो गया। तो ये सब हाउस बोट यहीं पे खाना बनाते हैं अंदर ही। किचन जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आज बना है पालक पनीर, चिकन, रोटी, आलू बीन्स मिक्स वेज टाइप और राइस। खा के देखते हैं कैसा बना, उसके बाद में बताते हैं। The next morning. वही सुबह हो गई, सब फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। चलो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। रात में जब हम लोग आए थे तो पूरा अंधेरा था, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए थे, तो भी बाहर लेके चलता हूँ।
ये देखिए, वाओ कुछ ऐसा व्यू है सुबह। सब सिखा रहे हैं तो इसके लिए भी हमारा एक दिन इसके लिए भी होगा, तो उसका व्लॉग अलग से आएगा। इस व्लॉग में सिर्फ हाउस बोट का रखा है, थोड़े सिनेमेटिक्स हो जाएंगे। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean our भी हमने कर ली अभी भाई, बस नाश्ता करने जा रहे हैं। देखो सब मॉडल बने हुए हैं, सबकी फ़ोटोशूट हो गई है भाई, फटाफट जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है तैयार होने के लिए और नाश्ता करने के लिए, तो अभी फटाक से नाश्ता करेंगे, उसके बाद में तैयार होके निकलेंगे। वापस एक बार व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो हमारी एक गलती हो गई थी कि हम लोग लेट हो गए थे रात में और हमको सुबह भी जल्दी जाना था, तो इस वजह से हमारा जो टाइमिंग था वो काफ़ी कम हो गया था हाउस बोट में रहने का। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट डे या फिर लास्ट डे करवाओ अपना हाउस बोट का प्रोग्राम, तो ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले हाउस बोट में रहने का। तो 12 to 12 आवर्स चलता है, मतलब दोपहर से 12 से अगले दिन 12 बजे तक। तो आप इसी हिसाब से अपना प्लान करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप हाउस बोट में गुजार सके, हमारी जैसी गलती ना हो। One eternity later. It's time to say goodbye. हम हाउस बोट से निकल रहे हैं अभी, टाइम हो गया 9:30 और भैया यहाँ के मालिक इस हाउस बोट के, भैया ये तब किसी को भी आने तो डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, अगर कोई भी देखने वाला है, हमें चाहते हैं कि कश्मीर आए और हाउस बोट रुके, हमारे हमारा नंबर आप दीजिएगा प्लीज, ठीक है, कॉल करके। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आइए यहाँ पे, भैया को कॉल कर दीजिए, सारा बुकिंग वुकिंग का वो सब देख लेंगे। भाई हाउस बोट का प्लान खत्म हो गया, बाय कर दो सब थोड़ा और रुकना था, बाय कर दे अभी, तो फिलहाल निकलते हैं अभी हाउस बोट से, फिर मिलेंगे हाउस बोट में, चलो बाय बाय। पानी देखो कितना एकदम नीचे तक आ गया, एकदम हम मस्त बैठे हैं राजा महाराजाओं की तरह। ये देखो ये वीडियो बना रहा अपनी भाई, क्या रील्स बना रहा है, रील्स मटेरियल मिल गया भाई इसको, क्या व्यू है। अगर जब कश्मीर आ रहे हो और अगर आपको केसर और शिलाजीत ये सब अगर खरीदना है तो एजेंट के भरोसे मत जाना, एजेंट अपनी खुद की दुकान पे लेके जाएगा और वहाँ पे फिर महंगा मिलता है, 250 रुपये कुछ कम मिलेगा, 250-300। बाकी आप लोकल आइट इन सब के पास जाइए, वो आपको कितना 130-140 के अंदर अंदर मिल जाता है, 1 ग्राम का प्राइस है और एजेंट आपको 250 रुपये में देता है, तो आप आराम से 100-120 रुपये बचा सकते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहिए, एजेंट से ना लें। अब यहाँ के लोग ये बहुत यूज़ करते हैं, तो ये जैसे भैया बैठे हैं, ये ओढ़ने का होता है पूरा और इसके अंदर हल्का इसको इसमें आँच, हमारे यहाँ पे जैसे आँच बोलते हैं, तो ये थोड़ा गर्म रहता है अंदर से, तो इसमें गर्म गर्म करके वो फिर अंदर उसके अंदर चला जाता है और आप हाथ गर्म रख सकते हैं इसके वजह से, तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ये खरीद भी सकते हैं आप, अगर आपको चाहिए तो ये खरीद भी सकते हैं क्या भैया, कितने का आता नहीं हम वो था 500 जो है ना, ये मिलेगा आपको 500, अगर इसका बगवास है ना ये वो 300-250 काल के 300 या 500, इसमें आप वो मतलब बाकी बार्गिन कर सकते हो आप यहाँ से, तो ये आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बाकी 6 दिन का टूर रहता तो आई डोंट थिंक कि इतना जरूरत पड़ेगा, मगर जिसको शौक है वो ले सकता है।
तो ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि न्यू व्लॉग स्टार्ट कर सकें। तो आज का कुछ व्लॉग थोड़ा अलग रहने वाला है, तो अभी हाउस बोट का ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप न्यू हैं। तो तब तक ले बाय बाय, कीप सेफ। We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting that we